औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसवतवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहुद ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुकद्दस के इन आयात मुबारका में जो सूरत अबसा की आयात मुबारका हैं, इरशाद फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा इला आखिरिल आयात। ये सूरत मुबारक भी सूरह मक्किया में से है, उन सूरतों में से है जो मेरे आका खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा पर हिजरत से पहले उतरी। और जितनी सूरतें हिजरत से पहले उतरी हैं उनको सूरह मक्किया कहा जाता है, और जितनी सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं उनको सूरह मदनिया कहा जाता है, चाहे वो कहीं उतरी। तो इस सूरत मुबारक का ताल्लुक भी चूंकि हुजूर पाक की मक्की जिंदगी से है और कबल हिजरत की जिंदगी से है, तो लिहाजा ये सूरत जो है सूरत मक्किया कहलाती। और इस सूरत मुबारक में भी जो मरकजी मजमून है, जैसे कि इंशाअल्लाह आप इस सूरत मुबारक में पढ़ेंगे, वही इस्बात आखरत और इस्बात क़ियामत है, और उसके साथ अज़मत कुरान और अज़मत अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। पिछली सूरत मुबारक में जो सूरत नाज़िआत आपने पढ़ी है, उस सूरत मुबारक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदाए सूरत भी और इंतहाए सूरत भी इस बात आखरत पर थी कि मरने के बाद हमने दोबारा उठना है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश होना है, और जमी आमाल के बारे में सवाल जवाब होगा, और उसके बाद फैसला होगा। या तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जन्नत नसीब फरमाएंगे, या अपने अदल से जहन्नम का फैसला फरमाएंगे। और इस सूरत मुबारक में भी चूंकि ज़िक्र आखरत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और वो सूरत भी रद्द था मुशरिकीन मक्का का और मुनकरीन क़ियामत का, और इस सूरत में भी इनकार है उन्हीं मुशरिकीन मक्का पर और मुनकरीन मक्का पर। तो लिहाजा इन सूरतों का आपस में रब्त भी बड़ा वाज़ेह है। अब इस सूरत मुबारक के शान नुज़ूल के बारे में जो रिवायात हमें मिलती हैं मुख्तलिफ किताबों में, वो ये हैं कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस मुबारक में तशरीफ फरमा थे, और आपके पास कुफ्फार मक्का, कुरैश मक्का, रोसाए मक्का, सनादीद कुफर जो हैं बड़े बड़े सुतून थे मक्के के, वो आए हुए थे, जिनमें बाद रिवायात में अभी जहल का नाम भी आया है, उमैया इब्न खल्फ का नाम भी आया है, उतबा शैबा का नाम भी आया है, और वलीद इब्न अल-मुगीरा का नाम भी आया। ये तमाम रोसाए कुफ्र हैं, रोसाए शिरक हैं, और सनादीद कुफ्र और शिरक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ये लोग आगे बैठे थे, और इसी असना में हुजूर पाक के एक सहाबी हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम है, और ये भी उन लोगों में है माशाअल्लाह जो पहले इस्लाम ले आए। और ये आंखों से नाबीना थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, तो वो भी अपनी लाठी टेकते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए और आगे कहा कि हुजूर मुझे एक आयत कुरान के बारे में बतलाएं। तो बाद रिवायात में यूं मिलता है कि वो आए और आगे खड़े हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाजें देनी शुरू की कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमनी मिम्मा अल्लमक अल्लाह तबारक व तआला, आप मुझे जरा समझाएं जो अल्लाह ने आपको समझाया है। और बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते रहे और अपने मसला पूछने के लिए अर्ज करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पे ये बात नागवार गुजरी और आपने इस बात को महसूस फरमाया कि एक मजलिस हो रही है और उसमें एक आदमी आता है और मुझे जोर जोर से बुलाता है और कहता है जी मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने और मुझे बात बतलाएं, मुझे बात बतलाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक पे तैवरी चढ़ाई और आपने उससे अपना रुख मुबारक जो है फेर लिया। और एक रिवायत में आता है कि आपने उन्हें यह भी फरमा दिया कि बाद में आए। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एराज मुबारक के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मना फरमा देने के बाद वो उस मजलिस से हट गए और हुजूर अपनी बात में मशगूल रहे। उनको दीन के बारे में और इस्लाम के बारे में आप बतलाते रहे और मजलिस जब खत्म हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए, जाने लगे तो अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में ये सूरत मुबारक उतारी, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, कि आपने तैवरी चढ़ाई और आपने रुख फेर लिया जब वो नाबीना आपकी खिदमत में आया। अल्लाह की तरफ से इताब आ गया, नाराजगी का इजहार कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, इस आयत मुबारक और इस सूरत मुबारक के उतरने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम का इतना एहतराम फरमाते थे और इतनी आप मोहब्बत फरमाते कि जब अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आते तो आप फरमाते हाजा फीमा आतबनी रब्बी अज़्ज़ा वजल, ये मेरा वो सहाबी है जिसके लिए मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को 2 दफा मदीना मुनव्वरा में गवर्नर बनाया। यानी आप बाहर तशरीफ ले गए तो मदीना मुनव्वरा में आपको बड़ा बनाया। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को अपना मुअज्जिन भी बनाया कि रमजानुल मुबारक में तुम आजान भी कहा करो। और अपनी अदम मौजूदगी में हुजूर ने उन्हें मुसल्ले पर भी खड़ा फरमाया कि तुम नमाज पढ़ाया करो। तो इस कुरान पाक की सूरत मुबारक से सबसे पहले तो आप और हम और हर मुसलमान को ठंडे दिल से, सुकून के साथ और अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए और कल्ब सलीम के साथ ये देखना चाहिए कि सहाबा का कितना बड़ा मकाम है अल्लाह के यहाँ। सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन की अजमत का क्या मकाम है कि अब देखें एक सहाबीन से हुजूर पाक ने थोड़ा सा तैवरी चढ़ा ली, सिर्फ यानी माथे मुबारक पे शिकन आ गई और आपने एराज फरमा लिया तो अल्लाह ने अर्श से कुरान नाजिल कर दिया कि आपने सहाबी से रुख क्यों फेरा। तैवरी चढ़ाने वाले कौन है? हजरत खातमुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। और फिर हुजूर का मर्तबा और मकाम देखे, मकाम रिसालत भी है, मकाम नबुव्वत भी है और मकाम उबुव्वत भी है कि आप पूरी उम्मत के बाप भी हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एराज फरमाना, यह तैवरी चढ़ाना कोई नफरत पर भी नहीं है किसी बुग़्ज़ो इनाद की वजह से भी नहीं है, बल्कि एक वक्ती तौर पर एक मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात नागवार गुजरी तो तभी तौर पर आपके चेहरे मुबारक पे उसके असरात मुरतब हुए, लेकिन अल्लाह ने उसी पर भी इताब कर लिया कि जब सहाबी आया तो आपने ऐसा क्यों किया। अगर एक सहाबी से एक तकाज़ाए बशरियत के तहत और तकाज़ाए हाल के तहत थोड़ा सा रुख अल्लाह का नबी फेर ले और अल्लाह नाराज हो जाए तो उन लोगों का क्या क़यामत में मकाम होगा जो सहाबा से रुख नहीं फेरते बल्कि सहाबा से बुग़्ज़ करते हैं, सहाबा से अदावत रखते हैं और सहाबा को नऊज़ बिल्लाह मुसलमान नहीं समझते और सहाबा पे सब्बो शितम करते हैं, तबर्रा करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें मुनाफिक नऊज़ बिल्लाह और मुर्तद तक कहते हैं, उनका क्या अंजाम होगा क़यामत। एक छोटे से वाक़े से आदमी को देखना चाहिए, दलील पकड़नी चाहिए कि अगर इतना एराज भी अल्लाह कबूल नहीं फरमा सकते तो जिन लोगों के दिलों में नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह बुग़्ज़े सहाबा भरा हुआ है और जिन लोगों का ओढ़ना बिछोना चलना फिरना सहाबा की दुश्मनी है, जिन लोगों का नऊज़ बिल्लाह यानी मजहब में ये बात इबादत का दर्जा इख्तियार कर गई है कि सहाबा को गालियां दी जाएं और सहाबा पे तबर्रा किया जाए और सहाबा को बुरा भला कहा जाए, उनका क़यामत में क्या मकाम हो। और उसके साथ साथ आप ये भी जरा गौर करें अल्लाह के कुरान की इन आयात मुबारका में और उन लोगों से भी जो अपने आप को बएतबार जाहिर तो सुन्नी भी कहलाते हैं, बएतबार जाहिर अपने आप को सहाबा के मानने वाला भी कहलाते हैं, लेकिन सहाबा को मेयार हक तस्लीम नहीं करते, सहाबा को हक की कसवटी तस्लीम नहीं करते। और बाद लोग अपने आप को सुन्नी कहलाने के बावजूद सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अकवाल के बारे में गौर नहीं करते। क्या है जी, छोड़ो, एक सहाबी की बात है ना, यहाँ भी तो एक सहाबी की बात है। एक सहाबी आकर हजूर पाक से कहता है कि जी हजूर मुझे एक आयत सिखला दे, यहाँ भी तो एक कौले सहाबी है, एक सहाबी का सवाल है। और उससे एराज आने पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरत नाजिल फरमा दी और क़यामत तक वो सूरत पढ़ी जाएगी और फिर सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास रहा और उस एहसास को ख़त्म करने के लिए हुजूर ने अपने मुसल्ले पे अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को खड़ा किया कि तुम इस मुसल्ले पे खड़े हो के अब इमाम बनो जिस पे मोहम्मद मदनी खड़ा होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि एक दफा अले गनीमत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब बाहर कोई मुल्क फतह हुआ और वहां से कुछ कपड़े आए तो उनमें कुछ कोट किस्म की चीजें और अबा किस्म की चीजें भी थीं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में तकसीम फरमाई। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बच्चे से, अपने खादिम से, साथी से पूछा कि मैंने सुना है कि आज आका ने कोट तकसीम किए हैं और सहाबा को कोट मिले हैं, लेकिन मुझे तो कोट नहीं मिला, तो इसलिए हम चलते हैं हजूर की खिदमत में और जाके मुतालबा करते हैं कि हजूर आखिर आपने मुझे कोट क्यों नहीं अता फरमाया। तो साथी ने अर्ज किया कि अब तो दोपहर का वक्त है, गर्मी का वक्त है, आराम का वक्त है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा होंगे, इस वक्त जाकर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बाद में हम आका की खिदमत में एक बात रख लेंगे जब आराम से मौका मिलेगा। तो अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैं तो अभी जाऊं। इसी वक्त आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे आवाज दी, हजूर ने आवाज पहचान ली और अंदर से कोट उठा कर ले आए। हजरत आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट हाथ में लेकर आए और आते हुए अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम ने सलाम के बाद अर्ज किया कि हजूर मुझे कोट नहीं मिला। फरमाया कद खबातो लका, तेरे लिए तो मैंने छुपा के रखा था कि तुझे खुद पहनाऊंगा, फरमाया तेरे लिए तो मैंने छुपा के रखा है। और सहाबी कहता है कि फिर हुजूर उनके हाथ पकड़कर एक एक बटन दिखलाते थे कि देखो ये बटन कितने अच्छे हैं, तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा मैंने चुन के रखा और इसलिए रखा था कि मैं अपने हाथों से अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को दूंगा। और वो हंसते हुए और लेते हुए और मुस्कराते हुए तशरीफ ले गए। तो जब सहाबा की दिलजोई, सहाबा की बात, सहाबा की अजमत का इतना बड़ा ख्याल मेरे आका फरमाएं तो एक उम्मती को गौर करना चाहिए कि हमारे दिलों में फिर सहाबा का कितना बड़ा मर्तबा होना चाहिए, उनकी कितनी बड़ी अजमत हमारे दिलों में होनी चाहिए। अब दूसरी बात इन आयात मुबारका में ये समझें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि वजह ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि किसी तरह मक्के के ये कुफार जो हैं, सरदार जो हैं, ये बड़े लोग जो हैं मुसलमान हो जाए। लेकिन ये भी आप तारीख इस्लाम उठाकर देखें, खुदा की कुदरत है। बल्कि तारीख आदमियत अगर आप देखें और तारीख अंबिया पे अगर आप गौर करें तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम और रसूल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम और दाइयान हक जब आए हैं तो उनकी मुखालफत करने वाले हमेशा ये बड़े लोग थे, सरमायादार थे, दौलतमंद थे और उनकी इताअत करने वाले और उनके साथ देने वाले हमेशा गरीब थे, फकीर थे, मिस्कीन थे और दरमियाने से भी नीचे के तबके के लोग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना थी कि किसी तरह अगर इन बड़े लोगों में कोई मुसलमान हो जाए तो इस्लाम के फैलने का जरिया बनेगा। और अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम तो मुसलमान है, सहाबी है, मोमिन है, उसके ईमान में तो कोई शुबो नहीं है, वो तो हमारा पक्का साथी है। अगर उसे हमने एक दिन एक बात में एक मिनट के लिए टाल दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ईमान और इस्लाम में। और अगर हमने इनको टाल दिया तो शायद ये मुसलमान न हों और आज मेरी बात सुन के शायद ये इस्लाम ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने को अहम समझा कि कुफ्र से इस्लाम की तरफ आदमी आ जाए तो ये ज्यादा अहम बात है, उसको आपने अहम समझा और अपने पक्के मोमिन साथी के एक सवाल को आपने दूसरे नंबर पे रखा। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा एराज फरमाया। और वैसे अगर आप गौर करें तो कायदा भी यही है कि आज भी अगर एक डॉक्टर के पास या एक तबीब के पास एक मरीज लाया जाए, एक मरीज हैजे का हो और एक मरीज नजला और जुकाम का हो, तो अब डॉक्टर का फर्ज भी ये बनता है और तबीब का फर्ज भी ये बनता है कि पहले वो हेदे वाले मरीज को पकड़े, उसकी तो जान जा रही है। नजला जुकाम तो एक आम मर्ज है, उसमें अगर कुछ देर भी हो जाए तो कोई ऐसा हलाकत का खतरा नहीं होता। तो उसे भी तो ये चाहिए कि अहम को ले, जो ज्यादा जरूरी है उसका इलाज करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक भी कुफार कुरैश जो थे उनकी तो बीमारी बड़ी बीमारी थी ना, वो तो कुफ्र की बीमारी थी और शिर्क की बीमारी थी। और अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम उनके मुकाबले पे एक मोमिन हैं, सहाबी हैं और एक मसला पूछना चाहते हैं, एक कुरान पाक की आयत पूछना चाहते हैं। तो इसलिए हजूर पाक ने अपने इज्तिहाद से उनके कुफ्र से इस्लाम में आने को मुकद्दम समझा और अपने सहाबी की बात को आपने मुअख्खर समझा। लेकिन अल्लाह ने कुरान में किताब नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, मेरा बदनी आपने इज्तिहाद तो फरमाया, लेकिन ये बात यूं होती है कि मरीज अगर कोई बड़ी मर्ज वाला है उसको मुकद्दम समझें। मुकद्दम तो सब समझें जब वो मरीज इलाज भी कराना चाहे और डॉक्टर को मानता भी हो। जो इलाज ही ना कराना चाहे तो उसे हम क्यों मुकद्दम समझें? अहमियत तो हम उसे देंगे कि दोनों मरीज इलाज कराना चाहते हैं, दोनों मरीज जो है वो डॉक्टर पर ईमान और अकीदा और यकीन रखते हैं। अब डॉक्टर का फर्ज है कि बड़ी मर्ज वाले को मुकद्दम करे और छोटी मर्ज वाले को मुअख्खर करे। लेकिन एक बड़ा बीमार है, वो कहते जी मैं तो डॉक्टर को जानता नहीं, मानता नहीं, मैं तो नहीं इलाज कराता, उसके पर तवज्जो करने की क्या जरूरत है? पर ये छोटे मर्ज को मुकद्दम समझे जो कराना तो चाहता है ना, गरीब जो आ तो रहा है इलाज के लिए, जो आना ही नहीं चाहता, उसे आपने मुकद्दम क्यों कर दिया? तो इसलिए उलमा ने फरमाया कि ये दरअसल इज्तिहाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाद लोगों ने इन्हीं आयात मुबारक को सामने रखकर एक मसला ये भी साबित किया है कि अंबिया से गुनाह हो सकते। उनने कहा अगर ये गुनाह न होता तो फिर अल्लाह की तरफ से क्यों झड़क आई और इताब क्यों आया। लेकिन जमहूर उम्मत का ये फैसला है, याद रखें कि अल्लाह के नबी गुनाहों से पाक होते। अल्लाह के जितने अंबिया और रसूल गुजरे हैं वो मासूम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें गुनाहों से पाक रखा है। ये गुनाह नहीं था, ये तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इज्तिहाद के मुताबिक फैसला था कि एक बात को आपने आला समझा, एक बात को आपने अदना समझा। लेकिन अल्लाह के हाँ वो अदना जो समझी गई वही बात ज्यादा आला। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इताब आ गया, ये तंबीह आ गई, लेकिन ये गुनाह नहीं था जो सरजद हुआ हो। अल्लाह के नबी गुनाहों से पाक हैं, गुनाहों से मासूम हैं, और तमाम अल्लाह के अंबिया जो हैं वो गुनाहों से पाक होते हैं। और अब तीसरी बात ये समझें कि उलमाए किराम ने ये भी एक सवाल पैदा किया है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम का आना और बार बार सवाल करना, बार बार हुजूर की मजलिस में आपकी गुफ्तगू को काटने का जरिया बनना, उन्होंने कहा गलती तो फिर उसकी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जब एक बात में मशगूल है तो ये कायदा है कि जब तक आप उस बात से फारिग न हों कोई दूसरा आदमी आगे दरमियान में बात न करे। और बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में तो सख्त हिदायत फरमा दी कि जो लोग बाहर आकर हुजूर के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और फरमाया इन्नल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजुरात, फरमाया जो हुजरे के बाहर आपके घरों के बाहर आके खड़े होते हैं और पुकारते हैं कि या मुहम्मद उखरुज इलैना उखरुज इलैना, बाहर आए हमारी बात सुने। अल्लाह ने फरमाया ये तो कम अकल लोग हैं, ये कैसे लोग हैं कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ ले गए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आराम के लिए अपने हुजरात मुबारक में तशरीफ ले गए और ये बाहर दरवाजे के खड़े चीखते हैं कि या मुहम्मद उखरुज इलैना उखरुज इलैना उखरुज इलैना। पर मैं अक्सर ओम ला आके लूँ, फरमाया ये तो अकल वाले नहीं है। फरमाया वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरल लहुम, पर मैं इनको चाहिए ये था कि अगर इन्हें मेरे आका के पास कोई काम है तो ये खड़े रहें और सब्र करें और इंतजार करें। जब हजूर पाक अपने इरादे से अपने वक्त के मुताबिक बाहर तशरीफ ले आए, सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हत्ता तखरुज इलैहिम, यानी जब हुजूर खुद इनकी तरफ आए कि हाँ जी आप बताएं आप क्यों आए हैं, तो जब मेरा पाक पैगंबर इनसे खुद पूछे तो फिर ये बात करें। ये नहीं कि अभी हजूर इनकी तरफ आए नहीं, घर से बाहर आए हैं किसी दूसरे से बात करें तो इनको बात करने का हक नहीं, इनको बाहर खड़े होकर पुकारने का हक नहीं है। अल्लाह ने डांट दिया और अल्लाह ने हुक्म जारी कर दिया और हत्ता कि अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ लोगों ये भी ख्याल करो कि तुम्हारी आवाज भी मेरे नबी की आवाज से ऊंची न हो जाए। और ये भी हुक्म फरमा दिया कि वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादिकुम लिबाद, फरमाया कि ये भी ना किया करो कि मेरा मदनी पाक अगर जा रहे हैं तो आप ऐसे बुलाएं जैसे दूसरे को कहते हो फलावरी बात सुनना हो भाई इधर आना, ऐसा मत बुलाना। अगर तुमने ऐसा किया मैं तुम्हारे सारे अमल बर्बाद कर दूंगा। यानी कितनी बड़ी सजा मिलेगी, अंतहबद अमालुकुम, कि तुम्हारे अमाल जो हैं वो हब्स कर दिए जाएंगे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे हज, तुम्हारी ज़कातें, अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमल हम बर्बाद कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मेरा मदनी अगर जा रहे हैं तुम पीछे से आवाजें देते हो। अब इसी से जरा मेरे भाई ठंडे दिल से अल्लाह के काबे में आप हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने दिमागों से पार्टी और अपने दिमागों से ये झगड़े जो हैं मौलवियों के ये निकाल दें। सिर्फ अल्लाह के कुरान को सामने रख के खुदा के लिए फैसला करें कि अगर मेरा मदनी अपने हयात मुबारक में हुजरे के अंदर हो तो बाहर से खड़े होके बुलाना अल्लाह ने मना कर दिया, हजूर अपने सामने जा रहे हूं तो उनको पीछे से आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जह करना मना कर दिया गया। लेकिन वो क्या लोग कियामत में जवाब देंगे जो अपने मुल्क में इस महीने में हजूर को हर वक्त बुला लेते हैं। वो अपने अल्लाह को आखिर क्या जवाब दे। जहां मर्जी आई मजलिस हो गई और दावत हो गई और नात खां आ गए और नातें शुरू हो गई और उसके बाद कहा कि जी हजूर पाक आ गए हैं, खड़े हो जाओ। यानी हुजूर मदीने में मौजूद हैं, हुजूर की हयात मुबारक है, सिर्फ सहाबा ने हुजरे के बाहर खड़े होकर आवाज दे दी। वो भी कोई दीन की बात ही पूछने आए होंगे, लेकिन अल्लाह को वो बात भी नागवार गुजरी। और हम हुजूर की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक को 1400 साल गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के आराम में वहाँ खलल बर्दाश्त नहीं फरमाते, तो क्या आपकी वफात के बाद आपके आराम में खलल बर्दाश्त फरमाएंगे? और उसके बाद ये फैसला करना कि जी नहीं, हुजूर तो तशरीफ नहीं ले आते, हुजूर की रूह मुबारक आती है। बाद लोग कहते हैं जी ये नहीं कि अब हुजूर आते हैं, हुजूर नहीं आते हो, कहते हैं जी हुजूर की रूह मुबारक आती है। और रूह जो है चूंकि वो मौजूद है आला इल्लियीन में और हर वक्त आ जा सकती है, तो खुदा के लिए जिस रूह के बारे में अल्लाह फरमाए तुम कुछ नहीं जानते हो, तो ये 1400 साल बाद का मौलवी हुजूर की रूह को पहचान कैसे लेता? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ये सवाल पूछा गया कि यसअलूनका अनिर रूह, मेरा मदनी आपसे पूछा जाता है कि रूह क्या चीज है, कुल रूह मिन अमरे रब्बी, आप इतना जवाब दे दें कि रूह मेरे अमरे रब का नाम है, उसको कोई ना देख सकता है, ना बतला सकता है, ना उसकी कोई कैफियत की हम तशखीस कर सकते हैं। तो फिर ये फैसला कर लेना कि ये अब रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाई है और अब रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चली गई है, आखिर ये कौन सा मकाम है? और फिर इसी बात को भी आप अंदाजा लगा, एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पैगंबर को या फरिश्ते को मसलन मलाकुल मौत को हर जगह भेज दे, वो तो एक ड्यूटी है, वो तो एक अल्लाह का हुक्म है, और उसका वहां वहां पहुंचना जो है कोई मुश्किल नहीं होता। एक ये है कि हम जनाब आज अपना फैसला कर लें कि अपने इस दुश्मन से तंग हैं और एक खैरात करें कि मलकल मौत आगे इसका रूह निकाल ले, तो बुला लेंगे। वो अल्लाह के हुक्म से आएगा या हमारी दावतों से आएगा या हमारे खैरात पकाने से आ जाएगा? तो इसलिए आप अंदाजा करें, जिसको लोगों ने अकीदत बनाया हुआ है, जिसको लोगों ने मोहब्बत बनाया हुआ है, जिसको लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार मोहब्बत का एक तरीका बनाया हुआ है, खुदा के लिए गौर करें कहीं ये बेअदबी ना हो, कहीं ये हुजूर की शान में तौहीन ना हो, और कहीं हम इसकी बजाय क़ियामत में पकड़े न जाएं कि तुम कौन थे ये जुर्रत करने वाले, मैं अगर मेराज पे बुलाता हूं तो जिब्रील कदमों में भेजता हूं, मैं अगर मेराज पे बुलाता हूं तो 1,24,000 पैगम्बर को मस्जिद अक्सा में खड़ा करता हूं, मैं अगर मेराज पे बुलाता हूं तो आसमानों के फरिश्ते इंतजार में होते हैं, जन्नत में हूरें और रजवान इंतजार में होते हैं, और हर आसमान पे एक अल्लाह का पैगंबर इस्तकबाल में होता है, तुम कौन होगे एक देख पका के मेरे नबी को जब चाहो जहां चाहो बुला लो? इसलिए आप अंदाजा करें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मतलब यह है कि आपकी सीरत को सामने रखें, आपके अहकाम पे अमल करें, आपकी जिंदगी को अपना नमूना बनाएं, हजूर पाक के हुक्म पर चलने की कोशिश करें, हजूर के कौल पर, फेल पर, आपके तकरीर पर, हर बात पे अपनी जान कुर्बान कर दें। ये अकीदत का मतलब है और इसी का नाम इजहार मोहब्बत है। अल्लाह ने हमें मोहब्बत करने का तरीका खुद कुरान में बतला दिया है कि तुम अगर मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरे मदनी की इत्तिबा का, मेरे मदनी के हुक्म पे चलो। हजूर ने फरमाया है कि नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हलाल खाओ, हराम से बचो, अमर बिल मारूफ करो, नही अनिल मुनकर करो, सालहीन की सोहबत इख्तियार करो, और कसरत से मेरे मदनी पे दरूद पढ़ो, और मेरे मदनी की गुलामी और इत्तिबा करो। इसी में निजात है, इसी में फलाह है, और इसी में कामयाबी। तो अब बात मेरे कहने का मकसद ये था कि जब हुजूर ने बुलाने से मना कर दिया है, तो फिर तो अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूब ने क्यों बुलाया? तो तंबीह तो अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूम को होनी चाहिए थी, ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इताब नाजिल हो गया। तो उसका उलमा ने जवाब दिया है कि ये अहकाम जो है मदीने में नाजिल हुए थे और ये आयत जो है ये मक्की जिंदगी से ताल्लुक रखती है और ये इब्तदाए इस्लाम का किस्सा। ये अहकाम जो नाजिल हुए थे कि अपनी आवाज को ऊंचा ना करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरों के बाहर खड़े होके ना बुलाएं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे तुम एक दूसरे को आवाजें देते हो ऐसे आवाजें न दो, ये तमाम अहकाम मदीने मुनव्वरा में उतरे थे, मक्की जिंदगी में ये उतरे नहीं थे। तो लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम का भी तो कोई कसूर नहीं बनता। और तीसरी वजह जो उलमा ने लिखी है उस पर गौर करें। उनने कहा असल बात ये थी कि एक तरफ उमरा और अगनिया का इज्तिमा था कि आने वाले कौन थे, वलीद इब्न अल-मुगीरा, आने वाला कौन था, उमय्यत इब्न खल्फ, आने वाला कौन था, उतबा शैबा अबी जहल लानहुमुल्लाह, आने वाले वो थे। वो एक तरफ गनी सरदार सरमायादार और बड़े बड़े अमीर थे और इधर आने वाला एक गरीब नाबीना फकीर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरा मदनी आपने जो एराज फरमाया है तो कहीं आप भी दुनियादारों को गरीबों पे तरजीह दे रहे हैं? कहीं आपके दिल में भी ये ख्याल आ गया है कि ये दुनियादार मेरी बात के ज्यादा मुस्तहक है? आपने एक गरीब सहाबी की तरफ से क्यों एराज किया है? इन दुनियादारों को छोड़ा जा सकता है, सारी दुनिया के सरमायादार अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिताबा। और इसी तरह याद रखें, उलमाए किराम ने एक सवाल और पैदा फरमाया। उन्होंने कहा कि जब अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम की इतनी बड़ी अजमत बयान की, किताब आ गया, लेकिन कुरान ने कहा कि एक अंधा आया, तो कुरान ने तो उसको अंधा भी कहा है। तो कुरान ये भी कह सकते थे कि एक आदमी आया, ये भी कह सकते थे कि फला सहाबी आया। किसी को अंधा कहना कोई तारीफ वाली बात तो नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो उधर कुरान में फरमा दिया कि अब जाहुल आमा, कि जब अंधा आया, तो ये अंधे का लफ्ज जो है जब कहा गया तो इससे तो तारीफ साबित नहीं होती अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम की। तो उसे अल्लाह ने कुरान में अंधा क्यों फरमाया है? उस पर उलमाए किराम ने, मुफस्सरीन किराम ने, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उन्होंने कहा कि यही तो बात थी कि गो मजलिस में आके बात काटना कोई माकूल बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरा मदनी वो तो माजूर है, वो तो नाबीना है। आने वाला माजूर है, आने वाला नाबीना है, आने वाला आपकी हमदर्दी का ज्यादा मुस्तहक है। उसे तो पता ही नहीं कि आप किससे बात फरमा रहे हैं, उसे तो पता ही नहीं कि आप किससे मुजालसत फरमा रहे हैं। तो आमा कह के अल्लाह ने उसके गरीबी और उसके मजबूरी और माजूरियों का इजहार किया कि वो तो माजूर था, वो माजूर था। और इसमें हमें ये सबक मिला कि अगर कोई माजूर है तो वो हमारी हमदर्दी का ज्यादा मुस्तहक है। अगर कोई आदमी नाबीना है, अगर कोई आदमी माजूर है, तो वो हमारी हमदर्दियों का और हमारी इनायतों का और हमारे ताबन का ज्यादा मुस्तहक बनता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नाबीना होने में दो बातें कर दी। एक तो जो उसने गलती की, वो जी नाबीना है, भूल गया बेचारा, माजूर है, गरीब, एक तो उसकी सफाई हो गई। और दूसरा ये इशारा हो गया कि जब वो माजूर है वो तो ज्यादा मुस्तहक है कि आप उसकी तरफ तवज्जो दें। और तीसरी बात उलमा ने ये लिखी है, याद रखें कि हमारे आका सरकार मदीना फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के करोड़ों सलात व सलाम हूँ हमारे आका की जात मुकद्दसा पर। आपका मकसद मुबारक क्या था कि ये काफिर किसी तरह इस्लाम ले आए, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि हजूर पाक जो है वो यही चाहते थे। आप हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, हजूर पाक के दिल में हर वक्त ये तमन्ना होती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जहन्नम की आग से निकले और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ईमान ले आए। और एक तरफ सहाबी ने सिर्फ एक कुरान का मसला पूछना था। तो इसमें हमें एक सबक मिला कि जैसे आजकल भी बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग जो कहलाते हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं जवाब देने में कि अगर किसी ने मसला पूछ लिया तो वो ये जवाब दे के कोशिश करती है कि जी हम काफिरों का शुबह दूर कर दें, हम बेदीनों का शुबह दूर कर दें, हम बेदीनों का रुख बंद कर दें, लेकिन अगर उसके जद में कोई बात इस्लाम पे आती है तो आने दें। मुसलमान तो अपने हैं ना, मुसलमान जो हैं ये तो अपने लोग हैं, इनको तो हम मुतमैन कर लेंगे, लेकिन हम काफिरों को तो जवाब दें, हम कुफ्र को तो रोके। इसलिए बाद लोगों ने किताबें लिखी और उनसे सहाबा के बारे में या यानी इस्लाम के बड़े बड़े जो अइम्मा गुजरे हैं उनके बारे में कुछ सख्त बातें लिखी गई। तो जब उनसे रुजू किया गया कि जी आपने ऐसा क्यों किया, उनने कहा कि हमारा मकसद तो ये था कि हम कुफ्र को जवाब दें, हमारा मकसद ये था कि हम यहूदियत और नसरानियत को जवाब दे सकें कि भी इस्लाम में नुक्स नहीं है, लेकिन इन बंदों से अगर कोई गलती हो गई तो हो गई, ये तो चंद अफराद की गलती थी, इस्लाम की गलती नहीं है। तो हम कुफ्र की नजरों में इस्लाम को बचा रहे थे, लेकिन कुरान हमें ये सबक देता है कि तुम कौन हो कुफ्र की नजरों से इस्लाम को बचाने वाले। मुसलमान के अकीदे को मजबूत करना ज्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि तुम काफिर को इस्लाम में ले आओ। ये ना करो कि उनको इस्लाम में लाते लाते मुसलमानों को तुम बदजन कर दो, मुसलमानों के अकीदों में तुम दरारें डाल दो, मुसलमानों के अकीदों में तुम शगाफ पैदा कर दो कि काफिर मुसलमान होंगे। अगर होगा अल्लाह ने लिखा है तो हो जाएगा, तुम्हें ये हक नहीं पहुंचता कि तुम उनको इस्लाम में लाने के लिए कोई ऐसा अमल करो जिससे मुसलमानों को जरा के बराबर भी नुकसान पहुंचता। इसलिए अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर को भी रोक दिया, फरमाया कि अगर अभी जहल वगैरह मुसलमान होंगे तो होंगे, अगर नहीं होंगे तो आपको हमने इसलिए तो नहीं भेजा, आपको तो हमने दीन पहुंचाने के लिए भेजा है। अगर वो आता है तो आ जाए, नहीं आता है तो ना आए। उसका आना जो है वो तो एक ख्याल है, यकीनी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम का मकाम हिदायत पे तरक्की करना जो है यकीनी बात है। तो एक मुसलमान के अकीदा यकीनी है, आप यकीनी की हिफाजत करें। उस शक के पीछे क्यों दौड़ते फिर रहे हैं कि उनको जब हम जवाब देंगे तो शायद वो भी मुसलमान हो जाएंगे। कैसे के इत्तेफाक से मुझे एक बात याद आ गई, यहाँ के एक अंग्रेजी अखबार में किसी आदमी ने मसला पूछा कि औरत भी नबी हो सकती है। तो मेरे भाई ने बहरहाल जवाब देने वाले मुझे क्योंकि उनसे कोई जाती तौर पर सलाम दुआ नहीं है, मुलाकात नहीं है, लेकिन लाजमी बात है कि आखिर कोई आलिम ही होंगे जिनसे सवालात पूछे गए और सवालात भी दीन के बारे में पूछे गए और वो हफ्तावार बाकायदा उन सवालात का जवाब भी देते हैं। तो जब उनसे सवाल किया गया तो लाजमी बात है कि वो अहले इल्म होंगे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या औरत नबी हो सकती है और क्या इस्लाम में इतना अरसा जो गुजरा है हजरत आदम से लेकर कोई औरत नबी भी गुजरी है, और क्या कुरान और हदीस ये भी कहता है कि औरत नबी नहीं हो सकती। अब उनके सामने एक बात थी कि अगर मैं सख्त जवाब देता हूं तो औरतों की दिलशिकनी होगी और सख्त जवाब देता हूं तो मौजूदा मुआशरे में जो इस्लाम के खिलाफ एक तूफान बर्पा किया गया है कि इस्लाम औरतों को हक नहीं देता और इस्लाम औरतों को हकीर समझता है और इस्लाम के नजदीक औरत की गवाही जो है वो आधी गवाही है और इस्लाम के नजदीक मीरास में औरत का आधा हिस्सा है। तो उस आलिम गरीब ने इन चीजों से बचने के लिए एक अजीब बात कह दी, कहा कि कोई आयत हमें ऐसी तो नहीं मिलती कुरान में जिसमें ये लिखा हो कि औरत नबी नहीं हो सकती, कोई ऐसी आयत तो हमें नहीं मिल रही। मकसद क्या था कि वो काफिरों के एतराज तो पहले हो रहे हैं औरतों की वजह से, और अगर मैं यहाँ ये कह देता हूँ कि जी नहीं नहीं औरत नबी नहीं हो सकती, देखा जी इस्लाम तो औरत को कोई अहमियत ही नहीं देता। तो उन सवालात से और नए जदीद एतराजात से बचने के लिए मेरे भाई ने एक ऐसा पहलू इख्तियार किया, कहा कि हाँ नबी नहीं बन सकती। और बाद रिवायतों में ये मालूम भी होता है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा की तरफ वही भेजी, और बाद रिवाया कुरान की आयत में ये भी मालूम होता है कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आए और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि वो सिद्दीका है, उसको सिद्दीका का लक़ब भी दिया गया। और फिर एक रिवायत में ये भी मिलता है कि दुनिया में मर्द तो बहुत कामिल गुजरे हैं लेकिन औरतों में 4 औरतें कामिल गुजरी हैं। तो उनमें बीबी आसिया का नाम और बीबी मरियम का नाम भी आता है। और उसने कहा कि बाद रिवायात में हमें यह भी मिला है कि ये कहा गया है कि बीबी मरियम नबी थी, तो लिहाजा उसने कहा मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि बहरहाल जब कुरान कोई नफी नहीं कर रहा, कुरान में हमें कोई ऐसी आयत मुबारक नहीं मिल रही, तो ये बात कहकर जदीद तबके को तो उन्होंने मुतमैन कर दिया कि चलो भी कोई एक मौलवी तो है जो औरतों का ख्याल रखता है, एक पढ़ा लिखा मौलवी तो है, बाकी तो सारे दिकियानूसी मुल्ला है, 1400 साल पुरानी बातें कहने वाले। कोई जदीद आदमी तो मिला ना हमें कि जिसने औरत की इतनी बड़ी हिमायत तो कर दी कि नबुव्वत के दरवाजे पे भेज दिया। अगर आप गौर करते मेरा भाई, अगर थोड़ा सा भी गौर कर लेते तो जरा ये गौर करते कि नबुव्वत की इब्तिदा कहाँ से हुई है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, सबसे पहले खलीफा कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। और इंतहा नबुव्वत की कहाँ हुई है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। तो इब्तिदा भी मर्द से हुई है और इंतहा भी मर्द पे हुई। और इसी तरह कुरान पाक ने फरमाया है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, कि मेरा मदनी आपसे पहले हमने किसी को रिसालत दे के नहीं भेजा मगर मर्दों को भेजा है। सूरत अन-नहल में 14 सिपारे में ये आयत मौजूद है कि आपसे पहले भी जितने भेजे गए वो मर्द भेजे गए। और इसी तरह कुरान फरमाता है रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, कि हमने जितने रसूल भेजे हैं बिशारत देने वाले या अल्लाह के अजाब से डराने वाले, वहां भी मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन सिगे जो है मुजक्कर के हैं, जो मर्दों पे दलालत करते हैं, जो औरतों पे दलालत नहीं करते। और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें हमने कोई डराने वाला ना भेजा हो। वहां भी लफ्ज नज़ीर है, वहां भी लफ्ज मुजक्कर इस्तेमाल किया गया है, मुअन्नस का इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसी तरह याद रखें कि कुरान पाक ने जिन अंबिया का जिक्र किया है, जिन अंबिया और रसूलों का जिक्र किया है और जिनका नाम लिया है, अल्लाह के कुरान ने किसी औरत का जिक्र नहीं किया बेतबार नबी के। हजरत इब्राहीम का जिक्र किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। और इसी तरह अंदाजा लगाएं कि बीबी मरियम जिनके शान में अल्लाह ने पूरे कुरान में सूरत मरियम उतार दी, और बीबी मरियम का नाम कुरान में 36 मकामात पर आया है। 36 मकाम पे अल्लाह ने कुरान में बीबी मरियम का नाम लिया है। और दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं गुजरी जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया हो। अल्लाह ने ये तो कहा है कि नूह की बीवी, ये कहा है कि लूत की बीवी, ये कहा है कि फिरऔन की बीवी, ये कहा है अल्लाह ने कि मेरे मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवियां, ये कहा है कि मोमिनों की बीवियां, लेकिन किसी औरत का नाम नहीं लिया। ये कितनी शरफ वाली औरत है कि जिसका अल्लाह के कुरान ने 36 मकाम पे नाम लिया है। तो जब अल्लाह को इतनी उनकी अजमत मतलूब थी, अगर वो नबी होती तो इजहार न होता कि वो नबी थी। जहां और उनकी शान बयान की गई, जहां उनको सिद्दीका कहा गया, जहां उनके और मर्तबे बयान किए गए। और इसी में मेरा भाई अगर गौर कर लेते तो ये भी कुरान को पढ़ लेते कि बीबी मरियम की वालदा ने जब मन्नत मानी थी कि मेरा अल्लाह अगर तूने मुझे बच्चा दिया, इन्नी नजर तो लगा माफी बदनी मुहर्ररा, मैं तेरे नाम पे आजाद करूंगी और तेरे घर का खादिम बना दूंगी। अब जनाब जब बच्ची पैदा हो गई, फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, तो बीबी साहबा ने कहा कि मेरे अल्लाह मेरे हाथ तो लड़की पैदा हुई है। और आप जानते हैं कि लैसत ज़करु कल उन्सा, जो मर्द की शान है वो औरत की तो नहीं हो सकती। तो इसी बीबी मरियम के बारे में उनकी अम्मा भी ये फैसला कर रही है कि जो मर्द की शान है वो औरत की शान नहीं हो सकती। और इसी तरह याद रखें कि कुरान ने ये भी फैसला कर दिया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्द औरतों पे अफजल होता है, औरत मर्द से अफजल नहीं होती है। तो अल्लाह जब नबी बनाएंगे तो अल्लाह वालों से बनाएंगे, अदना से तो नहीं बनाएंगे। अल्लाह के नबी अफजल होते हैं, अल्लाह के नबी कभी मफजूल नहीं होते हैं। और इसी तरह अगर मेरे भाई के दिमाग में आया कि चार औरतें कामिल अल अकल गुजरी हैं, तो उनमें तो फिर बीबी खदीजा और बीबी फातिमा का भी नाम है। तो क्या बीबी खदीजा और बीबी फातिमा भी नबी थी? क्या उनकी नबुव्वत के बारे में भी किसी ने जिक्र किया है? वो तो मेरे आका ने तारीफ बयान फरमाई कि अल्लाह ने उनको इतना कमाल अता फरमाए थे कि जो और किसी औरतों को नहीं मिले। उनमें अल्लाह के नबी ने बीबी मरियम का नाम भी लिया, उनमें अल्लाह के नबी ने बीबी आसिया ज़ौजाए फिरौन का नाम भी लिया, और उनमें हुजूर पाक ने बीबी खदीजा और बीबी फातिमा का नाम भी लिया। और एक हदीस में आता है, फरमाया फजल आइशा, मेरी बीबी आयशा की फजीलत तो ऐसी है का फजल सरीद अला साइर तवाम, वो तो फिर सबसे अफजल है, लेकिन बीबी आयशा भी नबी नहीं है। तो इससे इसलिए अगर आप गौर करें, आप ठंडे दिल से देखें, तो अब इसका मतलब ये नहीं था कि हम औरतों की हिमायत करते करते दीन के मसले से भी उतर जाए। ये तो इतना बड़ा जरूरी मसला था कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमा देते और हजूर किसी एक नबिया का जिक्र तो फरमा देते, किसी एक औरत की नबूवत के बारे में जिक्र फरमा देते। और फिर ये कायदा होता है कि जो नबी होगा वो इमाम होगा, और औरत की इमामत पर इत्तेफाक है कि वो मस्जिद में भी इमाम नहीं बन सकती, वो मर्दों की इमाम भी नहीं बन सकती है, तो वो नबूवत जैसी इमामत को कैसे हासिल कर सकती। तो इसलिए जमहूर की राय में और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक के सारे आयात को सामने रखने के बाद, अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखने के बाद, अब मकसद मेरे भाई का क्या था कि हम औरतों की वजह से जो एतराजात हम पे होते हैं, हालांकि वो एतराजात गलत हैं, वो भी दुश्मनाने इस्लाम ने किए। उसकी वजह ये होती है, आप अंदाजा फरमाएं कि खुदा की हिकमतें हैं। अब औरत के हैज के दिन हैं, औरत के निफास के दिन हैं, तो उन दिनों में जब औरत खुद कुरान नहीं पढ़ सकती, खुद नमाज नहीं पढ़ सकती, खुद रोजा नहीं रख सकती, तो वो लोगों को हिदायत कैसे पहुंचाएगी? और फिर एक औरत गैर महरम के सामने नहीं आ सकती, तो वो तबलीग कैसे करेगी? वो लोगों को दीन कैसे पहुंचाएगा? इन तमाम चीजों पे आप गौर करें तो ये उसके नक्स की बात नहीं है। अल्लाह ने औरत के लिए जी मीरास आधी कर दी है। आधी मीरास कहाँ है? अगर आप गौर करें तो औरत जब तक जवान नहीं होती, शादी नहीं होती, उसके खर्चे का जिम्मेदार उसका बाप है। शादी होने के बाद उस घर के खर्चे का जिम्मेदार उसका शौहर है। लेकिन लड़का जब बड़ा हो जाएगा तो अपने खर्चे का भी जिम्मेदार है, फिर अपनी बीवी के खर्चे का भी जिम्मेदार है। लड़का जब अगर बाप फौत होगा तो सिर्फ बाप का मीरास लेगा, लेकिन लड़की अपने बाप का हिस्सा भी लेगी और फिर जाके खामन की जायदाद का हिस्सा भी लेगी। तो जरा इंसान गौर करे इस्लाम पर। इस्लाम ने तो ऐन अदालत के फैसले किए हैं। अगर किसी ने बुग़्ज़ की ऐनक चढ़ाई हुई है तो उसका तो हल कोई नहीं है। इस्लाम ने कहा कि दो औरतों की गवाही रखी जाए, एक औरत की गवाही आधी होती है। उसका मकसद ये था कि अगर एक औरत गवाही दे और मामला अदालत में चला जाए तो मुखालिफ वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में औरत की इज्जत की धज्जियां बखेर देगा। वो कहेगा जनाब ये औरत इसलिए गवाही दे रही है, इसके नाजायज ताल्लुकात है, इस औरत के इसके साथ मुआशका है, इस औरत का इसके साथ याराना है, ये इसलिए गवाही देने आई है। लेकिन अगर दो औरतें हों तो औरत की इज्जत महफूज रहेगी। ये हमला नहीं हो सकता कि ये दो औरतें क्यों गवाही दे रही हैं, कभी दो औरतें भी एक आदमी के साथ इश्क और मुआशका करके फिर इकट्ठी हो सकती हैं? उनका तो फिर आपस में रिकाबत होनी चाहिए, उनका आपस में बुग़्ज़ होना चाहिए था। अल्लाह ने औरत की इज्जत की हिफाजत फरमाई, जिसे जालिमों ने समझा कि अल्लाह ने औरत की तौहीन की है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को नबी की माँ बनाया है, नबी की बेटी बनाया है, नबी की बीवी बनाया है, नबी की बहन बनाया है, लेकिन हर किसी का अपना एक मर्तबा है। अल्लाह फिर नबियों को और रसूलों को इतना आला शान देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि औरत नबी बने, जब शादी करे तो फिर खामद का शान बढ़ गया, नबी का शान कम हो गया। या तो फिर हर औरत के लिए हम नबी खामद ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, और अगर नबी न मिले उस जमाने में तो फिर उसका रिश्ता ही ना हो, उसकी शादी ही ना हो। और दूसरा बेचारे को वहम ये हो गया कि वाउहाइना, वही का लफ्ज जो आ गया, हालांकि कुरान कहते हैं वाउहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह ने शहद की मक्खी की तरफ भी वही भेजा। तो उसको वही का माना पड़ना चाहिए था कि वही रिसालत और होती है, वही नबुव्वत और होती है, वही इल्का व इल्हाम और होती है, वही का दिल में ख्याल डालना और होता है, और वही बमाने इशारा भी आती है कि जब हजरत ज़करिया अपने इबादत खाने से बाहर आए और लोगों ने कहा कि दरवाजा क्यों, फौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुकरतम व इशिया, तो वहाँ वही बमाने इशारा है कि आपने इशारा किया कि भाई मैं बात नहीं कर सकता, मेरी जबान बंद है, मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, तो वहाँ भी लफ्ज औहा है। तो लिहाजा ये करना जो है कि कुफार को जवाब देते देते मुसलमानों को बदजन कर दिया जाए, तो इससे इस्लाम ने मना फरमाया। इस्लाम ने फरमाया काफिर मुसलमान होता है तो हो जाए, अगर नहीं होता है तो वो क़यामत में अपनी जहन्नम खुद भुगतेगा। लेकिन जो इस्लाम ला चुका है आप उसके अकीदे की हिफाजत करें, आप उसके ईमान की हिफाजत करें, ताकि जो अकीदा ला चुका है, इस्लाम कबूल कर चुका है, वो कहीं फिर शिरक में ना पड़ जाए, वो कहीं कबर परस्ती में ना पड़ जाए, वो कहीं बिदआत में ना उलझ जाए, वो कहीं फिरक़े ज़ाल्ला की साजिशों का शिकार ना हो जाए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मेरे नबी, अबी जहल अगर इस्लाम लाता तो लाता, लेकिन ये तो इस्लाम ला चुका है, इसको तो आपका समझाना जो था वो इसकी हिदायत का जरिया बन सकता था। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया। अबसा व तवल्ला, अब देखें शान, देखें मोहम्मद मुस्तफ़ा। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, अल्लाह फरमाते हैं अबसा, याद रखो इसका तर्जमा क्या है, तैवरी चढ़ाई। अबसा जैसे आता है उबूसन कमतरीरा, तैवरी चढ़ाना, ये बल डालना, आदमी गुस्से में हो या एराज कर यहाँ बल पड़ जाता है। वतवल्ला, तवल्ला का मानना मुंह फेरना, रुख फेरना, एराज फरमाना। अच्छा अब देखें शान, देखें मेरे मदनी की, अल्लाह की तरफ से है नाराजगी, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अबस्ता वतवल्लैता, आपने तैवरी चढ़ाई, आपने मुंह फेरा, ये नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया अबसा वतवल्ला, गायब का सिगा, कि किसी ने तैवरी चढ़ाई, यानी ये नहीं फरमाया कि तुमने चढ़ाई। ठीक है ना, ये शान है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा, अजमत मोहम्मद मुस्तफ़ा है ना। ऊपर से आ इताब रहा है, आ तंबीर रही है, लेकिन ये नहीं फरमाते कि जी आपने ऐसा क्यों किया। अल्लाह ने फरमाया अबसा वतवल्ला, तैवरी चढ़ाई किसी ने और रुख फेरा किसी ने। आप खुद समझ जाए, शायद आप हूं, लेकिन हम तो आपको नहीं कह रहे हैं। अबसा वतवल्ला गायब के सिगे के साथ आ गया। अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अमा, अन जाअहुल अमा, जब आया वो नाबीना अल अमा, अलिफ लाम, क्योंकि उस नाबीने को मेरा मदनी जानते हैं कि आने वाला कौन है, अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम। इसलिए कुरान ने ये नहीं फरमाया आमा, फरमाया अल आमा। अलिफ लाम जो है यहाँ अहदे ज़हनी के लिए है, उस नाबीने को आप जानते भी हैं, ये भी नहीं कि कोई ना जानना पहचानना कोई राहगीर आने वाला हो। फरमाया अन जाअहुल आमा, अब देखें फिर खिताब आ गया, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फ़तन्फ़अहु ज़िक्रा। अल्लाह ने फरमाया वमा युद्रीका, अब खिताब आ गया। पहले तो फरमाया था ना किसी ने तैवरी चढ़ाई, यहाँ फरमाया और आपको नहीं खबर, आप नहीं जानते कि वो आने वाला आपसे मसला पूछ के मकाम में तज़किया पे पहुंच जाता, तरक्की करके पाक साफ हो जाता, या इस मर्तबे पे भी ना पहुंचता, आओ यज़्ज़करो, कम अज कम कुछ नसीहत भी पकड़ लेता, फ़तन्फ़अहु ज़िक्रा, उसको उस नसीहत का फायदा होता। अब देखें दो आयतें, पहली आयत में अल्लाह ने खिताब नहीं फरमाया, गायब का सिगा है, और दूसरी आयत में खिताब है कि वमा युद्रीका का, अब खिताब आ गया ना यहाँ कि आपको क्या खबर, आप नहीं जानते। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फ़तन्फ़अहु ज़िक्रा। तो याद रखें पहले खिताब नहीं, सिगा गायब का है, ताकि हजूर की शान हो, हजूर बराह रास्त उदास न हो जाए कि अल्लाह पाक अगर फरमाते आपने ऐसा क्यों किया। बड़ा फर्क है ना जी, एक आदमी को आप निशाना बनाया, आपने कहा कि जी आपने ये गलती क्यों की, और एक आप कहते हैं कि जी तालिब ऐसा करते हैं कि आजकल मुताला नहीं करते, किताब नहीं लाते, मेहनत नहीं करते, सबक में शौक से नहीं आते, गले में उतारते हैं, आ गए तो बैठ। तो अब पता नहीं किस तालिब को आप कह रहे हैं, जिसको तंबीह होनी है वो तो समझ जाएगा ना कि आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन आप नाम सबका ले रहे हैं, गायब का सिगा। अच्छा अब खिताब क्यों फरमाया कि वमा युद्रीका, आपको खबर नहीं, खिताब आ गया। ये भी शान है मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्योंकि अगर सारी सूरत में अल्लाह खिताब न फरमाते, ऐसे गायब का सिगा इस्तेमाल फरमाते, फिर भी तो मालूम होता कि अल्लाह मियाँ इतनी नाराज है कि आप अपने नबी को मुखातब भी नहीं करते। अब तो अपने नबी को बराह रास्त खिताब भी नहीं फरमा रहे। अल्लाह ने फरमाया चलो इजहार, वो पहले सीगा गायब हो गया, अब हम खिताब कर रहे हैं, आप हमारे नबी हैं लेकिन आपको इल्म नहीं। वमा, और यहाँ देखें कुरान ने दो लफ्ज, और याद रखें कुरान कभी कहता है वमा अदरा का, कभी कहता है वमा युदरी का। हमेशा याद रखें कुरान ने जहां जहां का वमा अदरा का तो अपने नबी को खबर दे दी, और जहां फरमाया वमा युदरी का तो खबर देना जरूरी नहीं होता, दी हो न दी हो न दी हो। अच्छा यहाँ दो लफ्ज है यज़क्का और यज़क्कर, तो दो लफ्ज है यज़क्का और यज़क्कर का। तो याद रखें यज़क्का का मन होता है तज़किया, कि आदमी के बातिन की इतनी पाकी सफाई हो जाए कि मरातबे उलिया पे पहुंच जाए, वो है तज़किया। और एक है कि इतने मरतबे पे तो नहीं पहुंचा लेकिन कुरान सुना, हदीस सुनी तो अल्लाह का नाम याद आ गया, अल्लाह का जिक्र जो है वो याद आ गया और उससे उसने नफा उठा लिया। तो ये इब्तदाई स्टेज है, वो इंतहाई स्टेज है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरे सहाबी ने मसला पूछा था, या तो वो मसले पे अमल करते करते अपने आखिरी मर्तबे पे पहुंच जाता, और अगर आखिरी मर्तबे पे ना पहुंचता तो पहला मर्तबा तो उसको मिल ही जाता कि वो नसीहत सुनता, नसीहत पकड़ता, अल्लाह का जिक्र करता। लेकिन जिसकी तरफ आप तवज्जो करें उसका तो पता ही कोई नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लअल्लहु यज़क्का औ यज़्ज़करा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम पे अजमत सहाबा, और फिर आगे आप पढ़ेंगे अजमत कुरान इंशाअल्लाह, और फिर आप पढ़ेंगे इस बात क़यामत। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सिरात मुस्तकीम पे कायम रखे, और अल्लाह आलम इस्लाम को हुजूर पाक की मोहब्बत, सहाबा, अहले बैत, औलिया किराम की मोहब्बत नसीब फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी ने पूछा है कि ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत, इशा की 4 रकात, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुहर से पहले 4 रकातें पढ़ना भी साबित है और 2 रकात नमाज पढ़ना भी साबित। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मस्जिद मुबारक में 2 रकातें पढ़ते थे, तो इसलिए बाज़ आइम्मा फरमाते हैं कि ज़ुहर से पहले 2 रकातें। लेकिन एक हदीस मुबारक आती है जो बीबी हफ्सा की रिवायत में है, वो फरमाती है कि ज़ुहर से पहले हजूर ने 4 रकातें पढ़ी। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूंकि हजूर पाक की सुन्नतें पढ़ने की आदत मुबारक घर में थी, कि आप सुन्नतें घर से पढ़ के तशरीफ लाते थे, और अगर मस्जिद में पढ़ते थे तो वो तहियतुल मस्जिद होती थी, तो इसलिए उनने फरमाया कि बीबी जो घर की रिवायत नकल फरमा रही है वो ज्यादा मुकद्दम है, क्योंकि घर के अहवाल को बीबी जानती है। तो और जिन लोगों ने 2 रकातें देखी हैं तो हजूर ने मस्जिद में तो पढ़ी 2 हैं, इसलिए बाद लोगों ने इस हदीस मुबारक को ले लिया और बाद लोगों ने उस हदीस मुबारक को ले लिया। इसी तरह इशा की सुन्नतें हैं, और इसी तरह वितर के बारे में है कि आपने 3 रकातें भी पढ़ी हैं और आपने 2 पढ़ के सलाम फेर के 1 रकात भी पढ़ी है, वो भी हदीस मुबारक में साबित है। और नसाई में और किताबें जो अहादीस की हैं उनमें सारी रिवायतें, आप किताब सलात खोल के देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इत्मीनान हो जाएगा। बहरहाल इमाम साहब जो हैं वह मुनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसा मसला लिया जाए जो जामे हो जाए और सारी हदीसों पे अमल हो जाए। क्या माना, मसलन हमने 2 रकातें पढ़ी तो 4 रकात वाली हदीस पर तो अमल रह गया ना, लेकिन अगर हमने 4 पढ़ ली तो 2 भी तो अंदर आ गई ना, तो लिहाजा दोनों हदीसों पर अमल हो गया। तो जो दोनों हदीसों का गुलाम है कि हुजूर की कोई हदीस भी न छूटे, अगर उसने 4 रकातें इशा से पहले पढ़ ली तो दोनों हदीसों पे अमल हो गया। अगर उसने 20 रकातें तरावी पढ़ ली, 8 वाली, 13 वाली, 12 वाली, 20 वाली, सारी हदीसों पे अमल हो गया। इसलिए इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा उस हदीस मुबारक को लेते हैं जो जामे होती है, ताकि हुजूर पाक का कोई फरमान जो है हमसे रह न जाए और आपकी तमाम हदीस मुबारक पर अमल हो जाए। वैसे जमी अइम्मा बर हक हैं, अल्लाह सबकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें फरमाए। आपकी लिखी हुई किताब कहाँ से मिलेगी भी? अभी तो जो आई थी तकसीम हो गई, अब इंशाल्लाह फिर आ जाएंगी तो फिर आपको यहीं से मिल जाएंगी। वो बिकती तो है नहीं, एक आले खैर ने अपने पैसे से शाये की है और मुफ्त तकसीम कर रहा है, जितना उससे होती है बेचारा कोशिश कर रहा। इकामत नमाज के बारे में भी वही बात है कि दोनों हदीसें मुबारक साबित हैं, हजूर से 2-2 दफा भी साबित है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक-एक दफा भी साबित है। लेकिन वही बात आ गई जो दो दफा कहेगा तो एक बार भी तो अमल खुद ब खुद हो गया ना। लेकिन अगर एक दफा भी कहे तो हदीस से साबित है, कोई मना नहीं है। ये कोई ऐसे मसले नहीं है कि जिन पे लोग झगड़े। लोग आज वो दौर नहीं है कि तुम लोगों को लड़ाओ, जो मौलवी लड़ाते हैं वो तो बड़े बदकिस्मती की बात है। दुआ करें अल्लाह हमें मिल के रहने की तौफीक दे। ये तो फुरूई मसले हैं, आला औला अफजल गैर अफजल की बातें हैं। ये ऐसी बातें नहीं नऊज़ बिल्लाह के जो दीन से उसूल से ताल्लुक रखती हूँ, वरना देखें आज तक किसी इमाम ने नहीं कहा कि इशा की नमाज 5 रकात है, किसी इमाम ने नहीं कहा कि मगरब की नमाज की 3 रकातों के बजाय 4 रकातें हैं। जो उसूल है उसमें सब इकट्ठे हैं। जो फुरूई मसाइल हैं उनमें चूंकि अहादीस ज्यादा मिलती हैं तो किसी ने उस हदीस पे अमल कर लिया, किसी ने उस हदीस पे अमल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए और हमें झगड़ों से और इख्तलाफ से बचाए। औरत के लिए जमीन पे सज्जे का उसूल ये है कि जैसे मर्द नमाज पढ़ते हैं अगर औरत भी पढ़ेगी नमाज ठीक है, लेकिन औरत के लिए हुक्म है ना कि ज्यादा से ज्यादा बदन को छुपाए। इसलिए हजूर ने फरमाया कि औरत मस्जिद के बजाय घर में नमाज पढ़े ज्यादा सवाब है। क्यों? ताकि छुपे। और फरमाया घर के सेन में अगर बरामदे में पड़े ज्यादा सवाब है, अपने बरामदे के बजाय कमरे में पड़े तो ज्यादा सवाब है, कमरे के अंदर कोई कमरा हो फरमाया उसमें पड़े तो ज्यादा सवाब है। ये सारी हदीसें क्यों आई? ताकि औरत का पर्दा ज्यादा रहे। इसलिए बाद इमाम ने फरमाया कि औरत अपने अदाए अरकान ऐसे करे जितना ज्यादा से ज्यादा उसका बदन छुपे। इसलिए उन्होंने ये बात फरमाई है उन हदीसों को सामने रखकर। कहते हैं जी बाज शिया जो है मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, भी कोई एक किस्म तो है नहीं, उनमें बला की किस्में हैं। 360 किस्में हैं जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब मिनहाज सुन्ना में लिखी है। 360 किस्में। आप मोटी मोटी बात याद रखें कि जो कुरान को नहीं मानता, जो बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाता है, ऐसी बातें जो करता है और इस्लाम की हक्कानियत का कायल नहीं या कुरान की तहरीफ का कायल है, वो मुसलमान नहीं। बाकी आमतौर पर जो जाहिल होते हैं ये तो वैसे बेचारे धाकरों के मारे हुए हैं, इनको मजहब का तो पता होता ही कोई नहीं। ये तो बेचारे माजूर और मजबूर हैं। उनको आप दीन समझाएं, उनको आप करीब करने की कोशिश करें, उनको आप बतलाएं। देखो ना जी, आप जैसे मसलन वो मातम करते हैं, ताजिया निकालते हैं, हालांकि वो अपनी किताबें अगर गरीब पढ़ें, उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि सबसे पहला मातम जो है यजीद की बीवी ने शुरू किया, उसकी सुन्नत है। और इसी तरीके से सब कुछ उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये हराम है, ताजिया निकालना हराम है, गुनाह है। और इतना सख्त लिखा हुआ है कि जो लोग ऐसे पीटते हैं, जो लोग ऐसे मुंह स्याह करते हैं, रोते हैं, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कियामत में उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उन्हें कोई समझाता नहीं, बस वो बेचारे जाकर से सुनते हैं। वो हजरत हुसैन के साथ ही वो रो रो के आ जाते हैं, वही रोना पीटना मजहब बन गया है। मैं जब अपने गांव में गया तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई पीर और मुर्शिद भी है? आप कहें हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुर्शिद है। बात खत्म हो गई। हजूर से बड़ा कोई मुर्शिद है? वैसे ये है कि जैसे आलिम से मसला पूछते हो, अगर कोई शेख मिले मुत्तबे सुन्नत हो, उससे जरूर रिश्ता कायम रखें, उससे आदमी की हिदायत होती है। क्योंकि जब आदमी का किसी से ताल्लुक बनता है तो उसकी बात मानता है, जब मानता है तो असर होता है, जब असर होता है तो बंदा ठीक होता है। और ऐसे आदमी चाहे कितना करता है लेकिन ऊपर कोई चेक कर